खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। भोपाल, कोरोना वायरस जो कि एक संक्रमित बीमारी है, जिससे बचने के लिए पीपीई किट पहनकर मरीज की जांच की जाती है, वहीं जांचों में भी गफलत की जा रही है। इसी को लेकर समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि जांचों में भी बहुत गफलत दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है, वहीं उस व्यक्ति की दूसरी जाँच निगेटिव निकलती है। वहीं जाँच में अलग अलग प्रकरण आ रहे हैं, एक जाँच उसकी नेगेटिव निकलती है तो दूसरी जाँच उसकी पॉजिटिव। इसी बीच में कितनों के संपर्क में व्यक्ति आता है, तो ऐसे कैसे कोरोना की चैन टूटेगी? हम इसको सही अर्थ में कह सकते हैं कि कोरोना वायरस बना करप्शन का उत्सव और भ्रष्ट कारिंदों ने मौत में भी मनाया उत्सव। स्तर पे लगी है, इसमें कहीं कुछ करप्शन की आहट हम देख रहे हैं क्या? कुछ कोरोना में कुछ करप्शन की कुछ ऐसा दिख रहा है क्या अपने को? देखिए, जब भीषण महामारी होती है और केंद्र और प्रदेश में संवेदनशील सरकार होती है तो आमजन को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार तो अपनी संवेदनशीलता से मुक्त हस्त से बजट आवंटन कर देती है, नियम प्रक्रिया शिथिल कर देती है, और जो संवेदनशील अधिकारी कर्मचारी हैं वह पूरी भाव और भावना से उस दिशा में काम करने में लग जाते हैं। लेकिन जिसको कहते हैं ना शेर की दाढ़ में खून, व्यवस्था ही का अंग है। लेकिन भ्रष्ट कारिंदे, जिसको कहा जाता है ना कि रेत में से भी तेल निकालना है, लहरें गिन के भी कमाना, वह भी इस व्यवस्था में व्याप्त है। इसी का परिणाम है कि जांचों में भी गफलत नजर आ रही है। कभी चाहे मास्क की क्वालिटी हो, सैनिटाइजर की क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, उसके दर हो, इसमें जो व्यवस्था बेलगाम होती दिख रही है, इससे जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। पीपीई किट की गुणात्मक मापदंड तो निर्धारित हैं कि इतने GM की हो, इतना ये हो, लेकिन दरों में भारी अंतर, 600, 800, 1000, 1400। सवाल ये है कि यदि संवेदनशील सरकार पूर्ण प्रमाणिकता के साथ उसमें कार्य कर रही है तो हमें क्यों नहीं संवेदनशील ढंग से इन सारी चीजों को प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए कि यहाँ इतने मरीज, इतनी किट खरीदी गई, इतने रैपिड टेस्ट क्यों हो रहा है? कितनी बड़ी गफलत होती है कि एक व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है, दूसरे दिन नेगेटिव निकलता है, फिर तीसरा उसका जांच करने भेजते हैं, जांच में अलग अलग प्रकरण आ रहे हैं, पता लगा कि नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिसको आज नेगेटिव बताया, दूसरी जांच में पॉजिटिव आ रहा है, इस बीच में वो कितनों के संपर्क में आया तो कैसे चेन टूटेगी? तो हमें इसको सही अर्थों में कह सकते हैं कि कोरोना बना करप्शन का उत्सव और भ्रष्ट कारिंदों ने बनाया मौत में भी महोत्सव। मेरे पहले विषय में आ गया ये विषय कि हम जितनी पारदर्शिता रखेंगे, हम क्यों नहीं प्रचारित करते जब सारी प्रक्रियाओं से मुक्त है, आपात स्थिति है कि सैनिटाइजर ये क्वालिटी, ये क्वांटिटी, ये जिस तरह की अभी स्व सहायता समूह की महिलाओं से या ऑनलाइन जो मास्क का कर दिया है शुरू, इस तरह करें ना। लेकिन इतनी भ्रम और भ्रांति की स्थिति बनी हुई है, तो सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा संबंधी सामग्री, उसके निदान संबंधी सामग्री, और यहाँ तक आश्चर्यजनक ये कि प्रदेश के, देश के अनेक कोनों से देखने में आ रहा है कि राहत सामग्री वितरण में कोई 10 किलो का पैकेट है, 9 किलो निकल रहा है, 8 किलो निकल रहा है, 7.5 किलो निकल रहा है। यह तो कफन के कमीशन खोर है, इन पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही हो ताकि एक अच्छा संदेश जाए। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम है आपकी आवाज़।